राम राम जी। आज ना अभी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एयरपोर्ट पे कुछ लोग बजरंग पूनिया को मालाएं पहना के स्वागत कर रहे हैं और भंगड़े डाल रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, और संख्या उस वीडियो में तो 200-300 लोग दिख रहे हैं। तो अभी मुझे एक मेरी एक वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया कि 5,000 लोगों ने बजरंग पुनिया का स्वागत किया एयरपोर्ट पे। ईसा कुमसा कद्दू में तीर मार दिया भाई, उड़े एशियन गेम्स में जो इतना भारी स्वागत कर दिया, मतलब किस अचीवमेंट पे मालाएं पहनाई जा रही हैं? पार्टिसिपेशन पे, वह पार्टिसिपेशन करने गया था। और मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो स्वागत था ये स्पॉन्टेनियस था, अपने आप का स्वतः स्फूर्त कहते हैं उसको? भाई साहब ये सब स्क्रिप्टेड होता है। वो जो माला पहनाई जा रही थी ना, वो भी इनके किसी आदमी ने अपने पैसे से खरीद के लाया होगा, तेल भरवा के गाड़ियों में लोगों को बिठा के लाए थे। ये स्क्रिप्टेड स्वागत करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि समर्थकों ने, फैमिली ने, इस गिरोह ने ये देख लिया था कि भाई सोशल मीडिया पे तो बहुत थू-थू हो रही है, पूरा देश गाली दे रहा है, तो समर्थन में कौन उतरे? कुछ जातीय समूह, कुछ जातीय ग्रुप्स, पेजेस, कुछ व्यक्ति जो जात आधारित समर्थन दे रहे थे, क्योंकि हमारी जाति का है, हमारे कुछ लोग तो गोत्र वाले भी थे, वो समर्थन दे रहे थे। पर वो जो है ना स्क्रिप्टेड समर्थन था, पर जो गालियां पड़ रही थी वो स्वतः स्फूर्त थी, एक पब्लिक का जनरल रिएक्शन था। पब्लिक नाराज किस बात से थी? कि ट्रायल दिए बगैर गया था। पब्लिक एक बात से कन्विंस थी कि विशाल कालीरमन का हक मार के गया था। तो ये जो स्क्रिप्टेड ढोल बजवा रहे हो ना, स्क्रिप्टेड माला पहन रहे हो ना, पब्लिक इतनी बेवकूफ। अब आप फिर एक नई गलती कर रहे हो। एक बात बताऊं, डेल कार्नेगी की एक बुक है, उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, दोस्त कैसे बनाएं और लोगों को कैसे प्रभावित करें, इन्फ्लुएंस करें। आज आपसे दुनिया नाराज है, या तो लोग न्यूट्रल हैं या आपसे आपके विरोधी हैं। अब उनको दोस्त अगर बनाना है तो हम्बल हो जाओ। और डेल कार्नेगी अपनी पुस्तक में लिखता है कि यदि आपने गलती की है तो तुरंत माफी मांग लो, सॉरी बोल दो, पर माफी दिल से निकल चीज। द सॉरी शुड बी जेन्युइन एंड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हार्ट। ये आपको एक लाइफ के मैं एक उसका सिद्धांत बता रहा हूं, जीवन में सफलता का सिद्धांत बना रहा हूं, बता रहा हूं। आज सारी दुनिया आपके खिलाफ है, नाराज है। खिलाफ क्या है? नाराज है। जितना और अकड़ दिखाओगे, इस तरह के ये स्क्रिप्टेड नाटक करोगे, माला पहन ली, डांस करा दिया, याक करा दिया, वक करा दिया, उल्टे सीधे घमंड वाले बयान दिए, जी नहीं। अब इस वक्त टोटली हम्बल हो जाओ। देखिए पब्लिक के सामने ऐठ अकड़ नहीं चलती, पब्लिक के सामने आप एग्रेशन, घमंड, दंभ शो नहीं कर सकते। देखिए पब्लिक तो पब्लिक है, राजा पब्लिक ही होती है, इसलिए पब्लिक के सामने अपना हम्बल चेहरा दिखाइए। यार आपको ना बजरंग भाई एक अच्छे सलाहकार की जरूरत है। और एक बात बताऊं, जो आलोचना करता है ना वो हमेशा बुरा आदमी नहीं होता। आलोचक आप आलोचक की आलोचना सुनिए और उससे सही रास्ता निकाल लो। उसकी बातें कड़वी लग सकती है, आपको लगता है यार मेरी आलोचना कर रहा है। भैया आलोचना में से सही रास्ते भी निकलते हैं। मेरी आपको सलाह है, तुरंत हम्बल हो जाओ, गलती को स्वीकार करो और से अ जेन्युइन सॉरी
अपने आप आपके खिलाफ सारी नेगेटिविटी धुल जाएगी। ये नाटक मत करो, स्क्रिप्टेड नाटक मत करो, है घमंड के बयान मत दो। इतना ही आज की इस वीडियो में। थैंक यू।